नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज का प्रथम और तृतीय जो है चतुर्थक कैसे निकाला जाएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल, या जिसको हम कहते हैं निम्न और उच्च चतुर्थक। सबसे पहले इसका हम फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला जो है क्या है। प्रथम चतुर्थक अर्थात निम्न चतुर्थक का कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए सतत श्रृंखला, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज जहां पे क्लास इंटरवल दिया जाए। अपने पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी और पद दिया जाता है। आज का जो मेरा ये लेक्चर है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, अर्थात जिसमें क्लास इंटरवल दिया जाए और फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, उसका जो है डिस्कशन हम करेंगे। तो फार्मूला पहले देख लेते हैं कि Q1 बराबर क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F Q1 माइनस C, और Q3 बराबर क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F Q3 माइनस सी। तो सबका हम यहां एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको जो है सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहां दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, ये दो चीजें दी गई हैं, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। और यहां पे कितना दिया गया है, 8, 12, 20, 32, 30, 28 और 12। अब आपको यहां भी डिस्क्रीट सीरीज की तरह सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। यहां पे संचयी बारंबारता को साइड में क्या कहा जाता है, सीएफ। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता फाइंड करने के लिए पहले वाला मेथड यूज करेंगे। ये आएगा सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखा जाएगा 8, और 8 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 20। ध्यान रखिएगा इस 8 में 12 को ऐड करना है। इसके बाद 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 40। 40 प्लस 32 आ जाएगा 72। 72 प्लस 30 102। 102 प्लस 28 कितना आ जाएगा, 130। 130 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 142। इसका मतलब यहां पे एन इक्वल टू क्या आएगा, 142। ध्यान रखिएगा यहां पे सबसे पहला वैल्यू कौन सा निकालना है, Q1, स्मॉल Q1 आपको चाहिए। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, n/4। ध्यान रखिए इससे पहले हम n+1/4 निकाल रहे थे, लेकिन इसमें क्या निकाला जाएगा, n/4 टर्म। अब n/4 टर्म कितना आएगा, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 142/4 कितना ये बन जाएगा, 35.5। अब ये देखना है कि 35.5 किस सीएफ के अंतर्गत आएगा, ये आपका जो है 40 के अंतर्गत आएगा। अब यहां से ये बन गया F, और इससे पहले जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C। जिस सीएफ के अंतर्गत ये आएगा उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी आती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं सी। और इसके सामने का पूरा टेबल आप ऐसे क्या कह सकते हैं,
ले सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी यहां पे एफ है और यहां पे एल वन और एल टू, तो जिस क्लास इंटरवल में ये पढ़ेगा उसका जो है लोअर लिमिट एल वन कहलाएगा और अपर लिमिट क्या कहलाएगा, एल टू कहलाएगा। तो अब यहां से फार्मूला जो है प्रयोग कीजिए, सभी मान निकल गया है, यहां से क्यू वन बराबर क्या बनेगा एल वन, एल वन मतलब 20 प्लस 30 माइनस 20, चूंकि एल टू का मान कितना आएगा 30 माइनस 20, अपान कितना बन जाएगा, अपान बनेगा एफ, एफ मतलब 20 इंटू क्यू वन 35.5 माइनस सी, सी कितना है 20 है। तो अब आप यहां से इसको हल कीजिए, 20 प्लस 10 अपॉन 20 ब्रैकेट में 15.5, ये कितना बन जाएगा, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 20 प्लस 2 का डिवीजन कर दीजिए, तो ये कितना आंसर बन गया 27.75। तो आपने इसका आंसर देख लिया, फर्स्ट क्वार्टाइल कंटिन्यूअस सीरीज का क्या आ गया 27.75। अब ऐसे ही इसका देख लेते हैं कौन सा क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, यहां सबसे पहले Q3 आप निकालिए, तो Q3 निकालने के लिए स्मॉल Q3 जब आप निकालेंगे 3n/4 हो जाएगा। अब यहां से 3 × 142/4 कितना आएगा 6 2 और यहां पे 4, अब ये कितना बन जाएगा बटे में 4, तो कितना आएगा 106.5। तो अब इस तरीके से ये आ गया Q3। अब बताइए Q3 किसके अंतर्गत आएगा, किस क्लास इंटरवल में, ये जो है 106, यहां देखिए 102 है, ये जो है इस CF के अंतर्गत आएगा, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा, और ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा C। तो अब यहां से Q3 बराबर क्या हो गया L1, L1 हो गया 50 प्लस कितना 60 माइनस 50 अपान कितना F की वैल्यू 28 इंटू 106.5 माइनस कितना हो जाएगा 102। अब यहां से ये हल कीजिए, तो 50 प्लस 10 अपॉन 28 इंटू कितना आएगा 4.5, तो कितना बन जाएगा 50 प्लस 45 अपॉन 28। तब यहां से डिवीजन कर लीजिए, तो कितना बन जाएगा, ये अप्रॉक्सिमेटली कितना आ गया, ये 50 प्लस 1.5 और ये कितना बन जाएगा 51.5, इतना लगभग बन जाएगा। तो आपने इस तरीके से देख लिया किसका जो है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल आपने कंटिन्यूअस सीरीज का आसानी से गेन कर लिया। आइए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल।
अब यहां पर दोबारा से टेबल बनाइए, क्लास इंटरवल और सेकंड जो है फ्रीक्वेंसी, थर्ड टेबल कौन सा बनेगा सीएम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां भी क्लास इंटरवल कितना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। फ्रीक्वेंसी कितना है 5, 7, 8, 10, 12, 3, 5। सीएफ निकालिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 12, 20, 30, 42, 45, 50। इसका मतलब n बराबर यहां कितना आ जाएगा 50। जब n की वैल्यू आ गई सबसे पहले फार्मूले से Q1 निकालिए, Q1 बराबर क्या होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि Q1 बराबर कितना आ जाएगा 50/4 n अपान, यहां पे सबसे पहले n अपान 4 किया जाएगा तो 50/4 कितना आ जाएगा 12.5। अब यहां से Q1 बराबर क्या हो जाएगा, अब ये देखिए कि 12.5 किस CF के अंतर्गत आएगा, यह आ गया 20 के अंतर्गत। सबसे पहले इसको आप पूरा ले लीजिए, इससे पहले जो है वैल्यू आ गई C और ये आ गया F। L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, तो L1 कितना 20 प्लस 30 माइनस 20 अपान कितना अपान हो जाएगा 8 इंटू Q1 12.5 माइनस कितना 12, ये कितना बन गया 20 प्लस 10 अपान 8 इंटू 0.5, कितना बन जाएगा 20 प्लस 5 अपान 8। तो 5 में 8 का डिवीजन कर दीजिए, ट्वेंटी प्लस 0.62, तो आंसर क्या आ गया 20.62। तो ये इसका जो है कौन सा क्वार्टाइल आ गया फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के बाद आइए इसका जो है थर्ड क्वार्टाइल देखते हैं। थर्ड क्वार्टाइल में यहां से दोबारा वही काम कीजिए कि जब n बराबर आ गया कितना 50, तो सबसे पहले क्या निकालना है Q3, Q3 क्या आएगा 3n/4, इसका मतलब 3 × 50/4, ये आ गया 150/4, कितना वैल्यू ये देगा 37.5। तो यहां से जब ये आ गया 37.5, अब आपको देखना है कि ये किस में आएगा किस सीएफ के अंतर्गत। देखिए यहां 30 है यहां 42, ये आ गया किसमें इसमें आ गया। अब f बराबर 12 आ जाएगा और c बराबर 30 और L1 और L2 क्या आ गए L1 लोअर लिमिट 40 और L2 बराबर 50। या यहां पे लिख दे L1 बराबर 40, L2 बराबर 50 और f बराबर 12। इस तरीके से अब आप यहां पे वैल्यू को देखा जाए तो Q3 बराबर L1 40 प्लस 50 माइनस 40 अपान f आएगा 12 इंटू ये कितना आ गया 37.5 माइनस c कितना है 30 है, ये कितना आ गया 40 प्लस 10/12 इंटू
ये कितना आएगा 7.5, 40 प्लस ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75/12, डिवीजन कर दीजिए, आ गया कितना 40 प्लस 6.25, कितना आंसर आ गया 46.25, ये इसका आ गया थर्ड क्वार्टाइल। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको जो है कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को जरूर लिखिए, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसका निराकरण करेंगे। दोस्तों हमारा अगला वीडियो होगा वो जो है डिसाइल पे होगा, जिसको हम दशमक कहते हैं। दशमक आप कैसे निकालेंगे, दशमक होता क्या है, इसका जो है सेम जो है तीन सीरीज इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये तीन सीरीज का हमेशा हम ये तीनों चीजें निकालेंगे। तो डिसाइल पे आप अध्ययन करेंगे, इसके बाद परसेंटाइल पे अध्ययन किया जाएगा, तब ये चैप्टर जो है क्लोज होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, मार्क्स दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, मार्क दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप इसका जो है फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है कीजिएगा, हम इसके बाद बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो आप लेक्चर को देख रहे हैं तो ये जो है काम जरूर कीजिए। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलते हैं।